नमस्कार दोस्तों, मैं अनंत आशीष कवि चौपाल पर आपका स्वागत करता हूं। मेरे साथ है रुपेश प्रजापत। दोस्तों, बेरोजगारों की व्यथा गाने का ये समय है। हम पहले भी बेरोजगारों के लिए राजस्थान में रीट पर कुछ वीडियो लेकर आए थे, लेकिन इस बार संग्राम थोड़ा सा बड़ा है। इस बार स्पीक फॉर रेलवे एंड SSC के लिए हम आवाज़ उठाने जा रहे हैं। हमारे जितने भी बेरोजगार भाई बंधु हैं, हमें उनके पर्सनली मैसेज भी थे कि हमें SSC और रेलवे पर कुछ करना चाहिए। मैं एक कव्वाली से शुरू होता हूं रुपेश भाई, और सभी हिंदुस्तान के सभी बेरोजगारों तक ये कव्वाली पहुंचे। मैं निवेदन करता हूं, हर एक बेरोजगार तक कव्वाली पहुंचना चाहिए। सुनना, इस बेरोजगारी में मैंने अगर राजस्थान, हिंदुस्तान और तमाम राज्यों के अंदर बढ़ती हुई बेरोजगारी पर अगर कुछ व्यंग हास्य के माध्यम से करने का प्रयास किया हो, तो हर एक बेरोजगार इसे अपनी व्यथा मानकर शेयर करें। मैं निवेदन करता हूं, सुनना। स्वागत है, स्वागत। जिए नौकरी के बिना हम कैसे, पढ़ाई खा गई देख लो सारे पैसे। अरे बेरोजगारी बढ़ती रही तो एक दिन ऐसा आएगा, बेरोजगारी बढ़ती रही तो एक दिन ऐसा आएगा, देश का युवा छोड़ किताबें मजदूरी पे जाएगा, वैकेंसी के इंतजार में बूढ़ा ही हो जाएगा, वैकेंसी के इंतजार में बूढ़ा ही हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा। आजकल की भर्तियां चुनावों में ही आती है, देख के सीट नेता को वो गायब हो जाती है, गायब हो जाती है, गायब हो जाती है। लाखों होनहार लेके डिग्रियां भटकते हैं, जॉब नहीं इसलिए वो आंखों में खटकते हैं, आंखों में खटकते हैं, आंखों में खटकते हैं। पेपर बाद में सिस्टम से पहले मात खाइए, ज्ञान कम चलेगा किंतु नोट ज्यादा चाहिए, नोट ज्यादा चाहिए, नोट ज्यादा चाहिए। MP वाले मामा ने कैसा सितम ढाया है, MP वाले मामा ने कैसा सितम ढाया है, अपनों को पाने के लिए गैरों को भगाया है, गैरों को भगाया है, गैरों को भगाया है। पिस रहा भविष्य देखो ये चुनावी मंडी है, कोई नहीं साधु यहाँ, सबके सब पाखंडी है, सबके सब पाखंडी है, सबके सब पाखंडी है। देश का युवा, देश का युवा, देश का युवा सत्ताओं की कब तक ठोकर खाएगा, देश बचाने वाला जब तक खुद ही ना बच पाएगा। बेरोजगारी नहीं मिटी तो देश पिछड़ता जाएगा, बेरोजगारी नहीं मिटी तो देश पिछड़ता जाएगा, पिछड़ जाएगा, पिछड़ जाएगा, पिछड़ जाएगा, पिछड़ जाएगा। तो दोस्तों, ये अभी हमारे यहाँ बेरोजगारी एक आंदोलन बनी हुई है। कल परसों से आप देख रहे होंगे सोशल मीडिया पर जिस प्रकार ट्रेंड चला हुआ है। आपको मानना पड़ेगा, सत्ताओं को ये मानना पड़ेगा कि जब अब देखिए आप ऑनलाइन मंच पर आज शिक्षक भी विद्यार्थियों के साथ खड़े हुए हैं रुपेश भाई सभी। और आपको ये मानना पड़ेगा कि जब जब भी चाणक्य और चंद्रगुप्त एक साथ किसी युद्ध में खड़े हुए हैं, तब तक नंदवंश का कटना तय हुआ है, हिनातताइयों का कटना तय हुआ है। मैं रुपेश भाई निवेदन करता हूँ आपसे, हमारे बेरोजगार दोस्तों के लिए आप क्या सुनाना चाहेंगे आज? आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है कवि चौपाल पर, और आज मैं बेरोजगारों की आवाज बनकर जो मेरे मन की भड़ास है, आशीष भाई, मन की बात नहीं, जो मेरे मन में जो भड़ास पैदा हुई है, जो भड़ास बनी हुई है, वही मैं चार पंक्तियों के माध्यम से अपने दोस्तों को सुनाना चाहता हूं। सुनिएगा, पेश है मन की बात के बाद मन की भड़ास। बिल्कुल, तो सुनिएगा दोस्तों, स्वागत। कि चाहते थे हम भी यार ऐसी रिस्क में पड़ना, फ्लोपी से निकल के बड़ी सी डिस्क में पड़ना, प्रोफी से निकल के बड़ी सी डिस्क में पढ़ना, लेकिन अभी समझ में बात आ रही है ये कि लेकिन अब सुनिएगा आशीष भाई कि लेकिन अभी समझ में बात आ रही है ये, SSC से अच्छा है यार इश्क में पढ़ना, SSC से अच्छा है यार इश्क में पढ़ना। देखा दोस्तों, SSC पर कितना व्यंग है, कितना हास्य के माध्यम से कितनी कड़वी बात कही जा रही है, और ये हमारी सत्ताओं को सोचना पड़ेगा कि बेरोजगारी बेरोजगारी ही होती है, चाहे वो राज्य में हो चाहे वो केंद्र में हो। आपको एक बार ध्यान देना होगा, देश की सभी समस्याएं एक हो रहे हैं, माना कि देश अनेक समस्याओं से ग्रस्त है, परंतु बेरोजगारी भी एक ऐसी समस्या है जिससे युवा त्रस्त है। आपको हमारी इन समस्याओं में समाधान ढूंढना पड़ेगा। मैं एक पेरोडी के माध्यम से बताता हूँ रुपेश भाई, एक बेरोजगार की क्या हालत है देश में, मैं एक पेरोडी के माध्यम से बताता हूँ, सुनना। स्वागत है।
कि मेहनत करते डे नाइट। पूरी रात मेहनत करते हैं विद्यार्थी, फिर भी जॉब नहीं मिलती है। और जॉब तो क्या रुपेश भाई, आप देखो देश में कि कोई भर्ती कब आई और तब उसका रिजल्ट आएगा। बिल्कुल, मैं तो ये कहता हूँ कि इसको पलट के ऐसे कर दो कि पिता देगा पेपर और पोस्टिंग बेटे को दी जाएगी। सही बात, तब निवेदन करता हूँ सुनो रुपेश भाई कि मेहनत करते डे नाइट, सिलेबस फिर भी टाइट, आ छोड़े रीट की गलियां, राजस्थान को मैं नहीं छोड़ूंगा, आ छोड़े रीट की गलियां, सीटेट करेंगे फाइट, ये भर्ती तो चुनावी गोली है और सत्ता की आंख मिचोली है। क्या बात है, वाह। ये भर्ती तो चुनावी गोली है और सत्ता की आंख मिचोली है। क्या एसएससी क्या रेलवे, सबके सब रोते जाए, आरएस की नहीं या भी गुड़ गुड़ गोते खाए, स्टेनो और एसआई, स्टेनो और एसआई, सबके सब सुन पड़े हैं, एसीएफ का निस्टेबल होकर लाचार खड़े हैं, जब जब भी भर्ती आ अच्छा। परिणाम सुरक्षित पाए, जब जब भी भर्ती आए परिणाम सुरक्षित पाए, पेपर से एक दिन पहले, पेपर से एक दिन पहले, क्योंकि पर्चे बिक जाएं, ये नेता तो एलएलबी जोली है, यो सत्ता से आंख मिचोली है। तो सुना दोस्तों आपने हमारी इस पीड़ा को। मैं रुपेश भाई से निवेदन करता हूं कि हमारे बेरोजगार भाइयों के लिए कुछ एक सांत्वना स्वरूप गीत सुनाए, जिससे हमारी बात इन सत्ताधीशों तक पहुंच सके, हमारी बात की सुनवाई हो सके। रुपेश भाई स्वागत है आपका। बहुत बहुत शुक्रिया आशीष भाई। चार पंक्तियां मैं अपने दोस्तों को और सुनाना चाहता हूँ आशीष भाई। स्वागत। क्योंकि जिस हिसाब से माहौल चल रहा है, जब हम किसी त्यौहार पर घर जाते हैं तो ये उम्मीद लेके जाते हैं कि यार घर वालों के साथ खुशियां मनाएंगे। वाह। लेकिन जब पिताजी वहां जाते हैं, एक क्वेश्चन पूछते हैं, एक प्रश्न करते हैं कि बेटा नौकरी कब लगेगा, कसम से ये दिल को छू जाता है। क्या जवाब दे, गला सूख जाता है, समझ में नहीं आता उनको जवाब क्या दे। ऐसी स्थिति बनी हुई है, तब मैं चार पंक्तियां सुनाना चाहता हूं, सुनिएगा दोस्तों। पूरा देश त्रस्त है इस प्रकार की समस्याओं से रुपेश भाई। बीए किया एमए को कई साल हो गए, वाह। बीए किया एमए को कई साल हो गए, एसएससी के चक्कर में बुरे हाल हो गए, एसएससी के चक्कर में बुरे हाल हो गए, तारीख पे तारीख, परीक्षा पे परीक्षा, तारीख पे तारीख आ रही है कि तारीख पे तारीख, परीक्षा पे परीक्षा, ऐसा घुमाया यार कि गोपाल हो गए, गोपाल हो गए, ऐसा घुमाया यार कि गोपाल हो गए। और आशीष भाई इसी पर एक और सुनो। स्वागत स्वागत। एक और व्यंग्य में करना चाहता हूँ, स्वागत, सुनिएगा स्वागत। कि अब डिग्रियां हमारी रीतियों सी हो गई, बेरोजगारी अब तो चींटी, देश में बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, कि बेरोजगारी अब तो चींटियों सी हो गई, कि शिक्षा हुई है भ्रष्ट या शिक्षा में भ्रष्टाचार, शिक्षा की नीतियां अनीतियों सी हो गई, शिक्षा की नीतियां अनीतियों सी हो गई, नीतियां अनीतियों सी हो गई। क्या बात है रुपेश भाई, अब आप सुनाइए आशीष भाई। आपका जो व्यंग्य था वो मुझे विश्वास है कि वो हमारे बेरोजगार भाइयों तक जरूर पहुंचेगा और उनके माध्यम से ये हमारे जो सत्ताधीश हैं उन तक जरूर पहुंचेगा। और मुझे भी उम्मीद है आशीष भाई कि हम जो आवाज बनकर, अपने बेरोजगार भाइयों की जो आवाज बनकर हम आप लोगों के सामने आए हैं, आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करेंगे तो हमारी आवाज, आप लोगों की आवाज देश में पहुंचेगी। और हम कहीं ना कहीं हमारी जो समस्या है, हमने जब पहले रीट पर एक वीडियो तैयार किया, इससे पहले आप देखेंगे हमारे चैनल पर जाकर रीट का रायता नाम से, तो हमें अधिकतर लोगों ने कहा कि एसएससी और रेलवे पर भी आपको कुछ करना चाहिए। हमारा कोई उद्देश्य नहीं था इससे, कोई अर्निंग का कोई उद्देश्य नहीं था, परंतु बेरोजगारों की समस्याएं हमारी अपनी है, सभी बेरोजगार, हम खुद बेरोजगार हैं, हम वो त्रस्त झेल रहे हैं जो आप इस कैमरे के पार बैठकर झेल रहे हैं। बस ये कैमरे के आगे हम आकर गा सकते हैं, आप थोड़ा सा इसमें शरीक हो जाएं। मैं एक पैरोडी निवेदन करता हूं रुपेश भाई, स्वागत, सुनना आप ध्यान से सुनना। बेबस जवानी है ये काला पानी है, हर भर्ती में मनमानी है,
ऐसे सी वालों की, रेलवे वालों की कैसी अजब ये कहानी है। चाहे दो दो पेपर करवाइए पर हमको जो इनिंग दिलवाइए, थोड़ी बेरोजगारी घटवाइए और हमको नौकरी दिलवाइए। आज नौकरी चाहिए बस हमें। ला 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 ला। राजेश भाई आपने कहा कि नौकरी चाहिए, चार पंक्तियां में भी उसी में आपको सुनाना चाहता हूँ, सुनिएगा। कि हमको न गले का कोई बिहार दीजिए, हमको न गले का कोई बिहार दीजिए, नारे भले ही एक नहीं चार दीजिए, नारे भले ही एक नहीं चार दीजिए। चाहते हो वोट आप जो अगले चुनाव में, चाहते हो वोट आप जो अगले चुनाव में, शिक्षित है आप हमको रोजगार दीजिए, शिक्षित है हमको आप रोजगार दीजिए। और आशीष भाई हमारे जो डायरेक्टर साहब हैं, कवि हैं, बहुत अच्छे लेखक हैं, उन्होंने चार पंक्तियां कल ही डाली फेसबुक में। अच्छा। वो मैंने देखी और मुझे बड़ी अच्छी वो पंक्तियां लगी, वो मैं सुनाना चाहता हूँ, सुनिएगा आप, ध्यान दीजिएगा उन पंक्तियों में। सत्ता के कान में फंसी रुई निकाल दें, जो चुभ रही हो हम की वो सुई निकाल दें। निकले हैं 5 साल जैसे नौकरी के बिन, निकले हैं 5 साल जैसे नौकरी के बिन, उंगली दिखा के आपको यूं ही निकाल दें। क्या बात है, क्या बात है रुपेश भाई, क्या बात है। तो देखा दोस्तों, ये बेरोजगारों की पीड़ा थी। बेरोजगार चाहे एसएससी रेलवे का हो, चाहे रीट का हो, चाहे पटवार का हो, एक चतुर्थ श्रेणी से लेकर आईएएस आईपीएस के एग्जाम तक का हर वो व्यक्ति जिसके पास जॉब नहीं है वो बेरोजगार की श्रेणी में ही आता है। हर बेरोजगार की वही व्यथा है इस समय जो एक एसएससी और रेलवे वाले की है। तो हम सब आपके पक्ष में खड़े हुए हैं इस बार, एसएससी और रेलवे वालों के, हम सब आपके साथ में हैं। आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं और उन सत्ताधीशों के कानों तक पहुंचाएं कि हमारी बात की सुनवाई हो। जय हिंद, जय भारत।